सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज जेराड एंड यू आर वॉचिंग जेराड गोम्स। सो आज जो गाड़ी मेरे सामने है, दिस इज दी ओजी स्कॉर्पियो, द वन एंड ओनली द क्लासिक स्कॉर्पियो। अभी नया स्कॉर्पियो एन तो लॉन्च हो गया है, सो वो तो वीडियो बहुत लोग ही बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी का मैं आज एक वीडियो बना लूँ, दी ओजी दी ओरिजिनल स्कॉर्पियो। सो ये जो वेरियंट है गाइज, दिस इज दी S5। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, आई वॉन्ट टू शो यू द की। सो दिस इज द बेसिक की दैट यू गेट। ये आपका ओल्ड जो महिंद्रा है उसका लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये आपका फ्लिप की है। और इस गाड़ी में आपको कुछ सेंट्रल लॉकिंग ये सब नहीं मिलता है, इट्स टोटली मैकेनिकल। सो इसमें आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलेगा, बट क्या क्या मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा। सो सामने के बारे में अगर बात करूँ गाइस, दिस इज़ द क्लासिक व्हाइट कलर ऑफ द स्कॉर्पियो। सो सामने एज यू कैन सी यू गेट दिस 7-स्लॉट ग्रिल, और ये आपका क्रोम फिनिश में नहीं है, दिस इज इन नॉर्मल ग्लॉस ब्लैक फिनिश। यहाँ पर आपको महिंद्रा का ओल्ड जो लोगो है वो मिल जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कॉर्पियो फ्रॉम द फ्रंट इज द हुड स्कूप दैट यू गेट ओवर हियर विद दिस हनीकॉम फिनिश इन द मिडिल, सो लुक्स रियली गुड। और बोनेट इज़ वेरी बीफी। यहाँ पर आपको ये ट्विन बैरल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वन फॉर द हाई बीम एंड अदर फॉर द लो बीम। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और आपको हेलोजन में पार्किंग लाइट्स मिलेगा। कीप इन माइंड गाइस, दिस इज इन हेलोजन, ये आपको LED फिनिश पे नहीं मिलेगा, आप बाहर से लगवा सकते हो। फॉग लाइट आपको नहीं मिलता है, बट यू कैन इंस्टॉल इट एज एन एक्सेसरी, और आपको ये ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग में मिलता है। सॉरी इफ द कार इज डर्टी गाइस, बट स्कॉर्पियो इज मेंट टू बी डर्टी। नीचे एक अच्छा चीज़ है गाइज, आपको फ्रंट मड फ्लैप्स भी मिल जाता है, बहुत गाड़ी में ये दिखाई नहीं देता है, बट इट्स गुड टू सी दैट यू गेट फ्रंट मड फ्लैप्स ऑल्सो। यहाँ पर आपको ये मैट ब्लैक में लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर मिल जाता है। साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइज, सो साइड में इस गाड़ी में आपको स्टील व्हील्स मिलता है। सो द प्रोफाइल ऑफ दिस टायर इज 235/65/R17, सो 17-inch टायर्स मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली सस्पेंशन ट्रैवल इज रियली गुड, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। यहाँ पर आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। साइड में एज यू कैन सी यू गेट दिस विंग मिरर्स इन ग्लॉस ब्लैक फिनिश, और साइड से स्कॉर्पियो एज यू ऑल नो कैसा दिखता है, मैं ज़्यादा इलेबोरेटली बात नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको साइड स्टेप मिल जाता है, और यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो का बैजिंग मिल जाता है इनग्रॉस्ड ऑन द बॉडी। डोर हैंडल्स जो है वो आपका ब्लैक फिनिश में है, आपको इस सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलता है, सो यू हैव टू लाइक मैकेनिकली ओपन एंड क्लोज द कार। और यहाँ पर भी आपको ब्लैक में मिलता है डोर हैंडल्स। पीछे आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका फ्यूल टैंक, और पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए गाइस, सो पीछे लेट मी नो गाइस विच स्कॉर्पियो यू लाइक द मोस्ट, दिस वन और द न्यू वन। पर्सनली आई लाइक दिस लुक ऑफ द स्कॉर्पियो, पीछे से बहुत अच्छा लगता है। सो द ग्लास एरिया इज रियली गुड, इट्स वेल इंटीग्रेटेड ओवर हियर, सो लुक्स रियली रियली गुड। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो का बैजिंग मिल जाता है, एंड दिस इज द S5 वेरियंट। द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कॉर्पियो विच आई लाइक इन दिस मॉडल वो है इसका टेल लाइट्स। सो टेल लाइट्स, यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो का बैजिंग मिल जाता है, एंड टेल लाइट्स आर इन LED फिनिश, पर आपका टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपका हेलोजन में मिलता है। नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और दो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है, एक यहाँ पर है और एक आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको पीछे का भी आपको स्टेप मिल जाता है टू गेट ऑन टू द कार। नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका टोइंग हुक, और पीछे का जो डोर है वो आप ओपन कर सकते हो इस साइड से। नया स्कॉर्पियो में भी आपको मतलब फ्रंट ओपनिंग डोर्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है जो कि आपका नॉर्मल प्लास्टिक फिनिश में है। सो पुराना स्कॉर्पियो में सबसे ज़्यादा, नया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है नया में, क्योंकि नया में आपको बेंच टाइप सीट मिलता है, इसमें आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलता था, अभी भी मिलता है आपका जो क्लासिक स्कॉर्पियो अभी है। सो इसमें आपको इस टाइप का सीट्स मिलता है, और यहाँ पर आपका गाड़ी का सब व्हील कैप रखा हुआ है। सो लेट मी नो गाइज विच बूट स्पेस यू लाइक द मोस्ट। प्रैक्टिकली इफ आई टॉक अबाउट माई प्रेफरेंस, ये बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज नया में यहाँ पर थोड़ा स्कूप हो जाता है, सो नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन दैट एस्पेक्ट, बट इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपका अच्छा से लगेज यहाँ पर फिट हो जाएगा। यहाँ पर बीच में आपको बेंच टाइप सीट्स मिलता है, 60-40 आपको नहीं मिलेगा, बट वन गुड थिंग इज दैट यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट एट द मिडिल रो सीट। सो गाइज अभी मिडिल रो में चलते हैं गाइज, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लासिक स्कॉर्पियो में आपको कितना स्पेस मिलता है। सो डोर्स आपको थोड़ा अच्छी तरह से बंद करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मिडिल रो सीट। सो डोर में देखते हैं गाइज क्या मिलता है। सो यहाँ पर एज यू कैन सी डोर इज इन बेज फिनिश। यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिलता है ब्लैक में, पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पर आपको पॉकेट मिल जाता है, यू कैन कीप योर फोन, तो यहाँ पर नहीं फिट होगा, बट पेन ये सब छोटा मोटा कॉइन्स आप यहाँ पर रख सकते हो, यू गेट अ बॉटल होल्डर ओवर हियर। अंदर के बारे में बात करूँ गाइज, देन द सीट्स आर फिनिश्ड इन डुअल पैटर्न, ये आपका फैब्रिक फिनिश है, ऑब्वियसली ये डार्क ब्लू और ये व्हाइट कलर में मतलब ग्रे कलर में फिनिश है, सो रियली नाइस। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सो नाउ लेट मी जस्ट सिट इनसाइड। साइड स्टेप के बारे में बात करूँ गाइज, देन ये थोड़ा सा मतलब पतला है, अगर थोड़ा और ज़्यादा बाहर होता देन
कोई दिक्कत नहीं होता, बट फिर भी नाउ लेट्स सिट इनसाइड। मैं थोड़ा लंबा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अंदर जाने में। सो नाउ जस्ट लेट मी क्लोज द डोर। सो डोर्स क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड महिंद्रा, वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। सो ओवरऑल गाइज, यहाँ पर आप लेग रूम देख सकते हो, रियली मैसिव लेग रूम, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। यू कैन स्ट्रेच योर फीट बिलो द ड्राइवर सीट एंड ऑल्सो द पैसेंजर सीट। यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स मिल जाता है, सो दैट्स रियली गुड। यहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल्स मिल जाता है। ओवर हियर यू गेट स्पेस टू कीप, मतलब बॉटल आप रख सकते हो, बट आई डोंट नो कितना रहेगा बॉटल यहाँ पर, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट करेंगे यहाँ पर गिर सकता है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पर रीडिंग लैम्प मिल जाता है, और जो रूफ है दिस इज फिनिश्ड इन ऑफ वाइट कलर। ओवरऑल स्पेस इज रियली गुड गाइज, आप यहाँ पर 3 जन आराम से बैठ सकते हो, 2 जन तो एकदम आप लेट के जा सकते हो, इतना जगह है यहाँ पर। सो रियली रियली गुड। पीछे भी आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है, सो दैट्स ऑल्सो गुड। और ये हैलोजन फिनिश में है, LED आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। सामने का लुक कुछ ऐसा है गाइज, स्कॉर्पियो का वेरी बेसिक, क्योंकि ये S5 वेरियंट है। सो नाउ जस्ट लेट मी गो टू द फ्रंट एंड आई शो यू what फीचर्स यू गेट एंड हाउ मच स्पेस देर इज ऑन द सीट्स एट द फ्रंट। सो इफ आई ओपन द फ्रंट डोर गाइज, यहाँ पर भी आपको सेम वो व्हाइट फिनिश पे मिलता है, रियली गुड कॉन्ट्रास्ट। सो यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, दिस इज योर विंडो लॉक स्विच। और यहाँ पर आपको थोड़ा ये फैब्रिक पैटर्न मिलता है इन दिस डार्क ग्रे कलर, लुक्स गुड। यहाँ पर आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट आफ्टर मार्केट स्पीकर्स, क्योंकि इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है। यहाँ पर आपको डोर पॉकेट्स मिल जाता है, सो यू कैन कीप योर डॉक्यूमेंट्स। सीट्स के बारे में बात करूँ गाइज, देन इट इज लाइक द सेम फिनिश एट द बैक, ये आपका डार्क ब्लू और ये ग्रे, लाइट ग्रे फिनिश में आपको मिल जाता है। यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आपको सीट आगे पीछे करने का लीवर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको सीट हाइट एडजस्ट नहीं मिलता है, यू ओनली गेट अ लीवर टू पुश द बैक रेस्ट फ्रंट एंड बैक, सो दैट्स देयर। और ये आपका ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, सो यू गेट ऑल द पेडल्स ओवर हियर एंड यू ऑल्सो गेट और डेट पेडल ओवर देयर टू रेस्ट योर फीट। सो यहाँ पर आपको थोड़ा बटन्स मिल जाता है, दिस इज योर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ये आपका बटन है टू ओपन द फ्यूल लीड, और ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है। यहाँ पर आपको लीवर मिल जाता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द AC, सो दैट्स देयर। और ये आपका की होल है, यू गेट मैनुअल स्टार्ट स्टॉप, इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता है। सो नाउ जस्ट लेट मी सिट इनसाइड एंड आई विल शो यू what यू गेट ऑन द इनसाइड। सो गाइज, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द OG स्कॉर्पियो S5 वेरियंट। सो गाड़ी मैं अभी थोड़ा स्टार्ट करूंगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाड़ी अभी न्यूट्रल में है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। सो या द कार नाउ रोज टू लाइफ। सो एज यू कैन सी यू गेट अ वेरी प्लेन स्टीयरिंग ओवर हियर, ज्यादा यहाँ पर आपको बटन ये सब कुछ नहीं मिलता है, यू गेट नॉर्मल फिनिश स्टीयरिंग, लेदर फिनिश आपको नहीं मिलता है, बट द स्टीयरिंग इज गुड टू होल्ड एंड रियली नाइस, मतलब प्रीमियम एकदम चंकी स्टीयरिंग है। डैशबोर्ड के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन यू गेट डुअल फिनिश ऑन द डैशबोर्ड, अपर पार्ट ऑफ द डैश इज फिनिश्ड इन ब्लैक, एंड ये जो पार्ट है दिस आपका थोड़ा ये गुड क्वालिटी आपका टेक्स्चर्ड फिनिश है यहाँ पर, एंड दिस इज इन व्हाइट कलर। यू गेट अ स्कॉर्पियो बैजिंग ओवर देयर एंड AC वेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाता है, वन ओवर हियर एंड वन इज ओवर हियर। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, थोड़ा छोटा है, मतलब यहाँ पर इतना प्रोट्रूड हो जाता है ना अंदर की तरह, सो यहाँ पर थोड़ा आपका स्पेस घट जाता है। यहाँ पर आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा, बट अगर ग्लव बॉक्स थोड़ा और बड़ा होता देन इट वुड हैव बीन बेटर। यहाँ पर आपको डुअल AC वेंट्स मिल जाता है अलॉन्ग विद ब्लोअर कंट्रोल्स ओवर हियर। एक जो चीज़ अच्छा है गाइज, महिंद्रा इज प्रोवाइडिंग ब्लोअर कंट्रोल्स ऑन ऑल द 4 AC वेंट्स, सो दैट इज गुड। यहाँ पर आपको कोई सिस्टम इस गाड़ी में नहीं मिलता है, यू गेट मैनुअल AC। यहाँ पर आप कहाँ पर एयर भेजना चाहते हो उसका लीवर है, दिस इज योर ब्लोअर कंट्रोल, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका एयर सर्कुलेशन का स्विच, दिस इज योर AC लो और AC हाई, मतलब AC हाई मतलब आपका मैक्स AC है, सो अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका कैबिन बहुत जल्दी से कूल हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, आई डोंट नो व्हाट यू कैन कीप हियर, बट आपका फ़ोन आप स्टैंड कर सकते हो यहाँ पर शायद। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। दिस इज योर गियर बॉक्स, यू गेट अ 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ओवर हियर। वन थिंग आई वॉन्ट टू से गाइस, गाड़ी अभी स्टार्ट है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा वाइब्रेशन मिलेगा बिकॉज दिस इज अ डीजल इंजन, सो बट ठीक है, ओवरऑल अंदर में कोई आपको वाइब्रेशन फील ज़्यादा नहीं होगा। एनीवे, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलता है, यू गेट अ पैड ओवर हियर, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हो ताकि आपका यहाँ पर स्लिप नहीं होगा, ये रबर फिनिश है। यहाँ पर आपका हैंडब्रेक का लीवर है, यहाँ पर आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM मिलता है, नॉट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। वाइजर के बारे में अगर बात करूँ, यू ओनली गेट अ मिरर, नो लाइट। और यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, नो मिरर एंड नो लाइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर गाइस, वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको टैको मिलता है जो कि एनालॉग में है,
और यहाँ पर आपको स्पीडो मिलता है एंड द टॉप स्पीड इज स्टिल 180 तक जाएगा नहीं ऑब्वियसली। सो यहाँ पर आपको एक छोटा सा MID मिल जाता है। सो ये MID गाइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो ये आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन ये सब दिखाता है एज यू कैन सी। सो वेरी बेसिक गाइज, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। जो लोग ये मॉडल परचेस करेंगे उन लोगों का बेसिक नीड अगर फुलफिल हो जाए सो दैट्स प्रीटी फाइन फॉर देम, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू डू विद दिस कार। यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाता है फॉर योर वाइपर्स और यहाँ पर आपको हेडलाइट का कंट्रोल्स मिल जाता है। सो एज यू कैन सी यू गेट हैलोजन हेडलाइट्स, ऑब्वियसली अभी यहाँ पर पता नहीं चलेगा आपको बट एनीवे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स गाइस। सो फ्रंट सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल गाइस, आई हैव नो कंप्लेंट्स। सीट का जो बेस है दैट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग सो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक जो चीज़ है गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट इसका जो साइड पोस्टिंग है मतलब इसका जो बैक रेस्ट का जो ब्रेथ है ना वो थोड़ा कम है। मतलब अगर आप थोड़ा हेफ्टी आदमी हो देन आपको थोड़ा मतलब ये बैक रेस्ट थोड़ा आपको नैरो लगेगा तो वो एक कंप्लेंट है, और थोड़ा अगर वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट सीट का अगर बेस के बारे में बात करूँ गाइज देन एब्सोल्युटली नो इश्यूज एट ऑल। विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ गाइज देन ऑब्वियसली यू कैन एब्सोल्युटली सी का सब कुछ दिख रहा है पीछे, इतना बड़ा इसका विंग मिरर्स है। यहाँ पर पीछे का विजिबिलिटी इज ओके क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिरर अगर थोड़ा और बड़ा होता देन इट वुड हैव बीन बेटर क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है इस साइड और इस साइड में। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। बट ये आप आफ्टर मार्केट आप बड़ा एक मतलब मिरर आप इंस्टॉल कर सकते हो, उस साइड का भी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है एज यू कैन सी। सो यू कैन इजीली सी फ्रॉम दैट साइड आल्सो। सो या नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर आपको मिरर एडजस्ट करने के लिए आपको लीवर मिल जाता है सो यू कैन एडजस्ट योर मिरर जस्ट लाइक यू विश, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओवरऑल विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ गाइज देन सामने का बोनेट एज यू कैन सी यू कैन ईजिली सी द बोनेट। एंड ये जो गाड़ी है ऑब्वियसली स्कॉर्पियो इज एन SUV सो यू सीट वेरी हाई, सो आपको कॉर्नर्स जज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक माई हाइट इज 5'11" एंड आई कैन ईजिली सी इसका कॉर्नर, सो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा गाइज। सो दिस इज द S5 वेरियंट ऑफ द महिंद्रा स्कॉर्पियो। सो अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा गाइज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड हाई यू लाइक द ओल्ड स्कॉर्पियो एज कम्पेयर टू द न्यू वन। सो या गाइज दैट वॉज माई इंटीरियर रिव्यू ऑफ द OG स्कॉर्पियो। सो गाइज दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ द स्कॉर्पियो द क्लासिक स्कॉर्पियो। ये जो वेरियंट है दिस वॉज द S5। So let me know in the comment section guys how you like this review and whether you like this Scorpio or the new Scorpio. So yeah guys, that was my review for today. I will surely see you in my next one. Till then, ciao.